मध्य प्रदेश के बालाघाट में करीब आधा दर्जन गांव इन दिनों बुरी तरह मलेरिया की चपेट में हैं। मलेरिया ने ऐसे पैर पसारे हैं कि अब हर घर में कोई ना कोई मरीज है। मलेरिया से एक मौत के बाद तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। अमला सक्रिय तो हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर पहले से ही इस मामले में सुध ले ली जाती तो शायद ये गाँव इस बुरी तरह से मलेरिया की चपेट में नहीं आते। देखिए उन गाँव से हमारी ये खास रिपोर्ट। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित चौरिया और चिलोरा गांव के लोग नक्सलियों से ज्यादा मच्छरों की वजह से दहशत में हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, बुखार से कांप रहे हैं। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई मलेरिया का शिकार है। आलम यह है कि हर घर में मरीज मिल रहे हैं और ये स्थिति आसपास के करीब आधा दर्जन गाँवों में है। बच्चे तड़प रहे थे, मासूम बिलख रहे थे, महिलाएं कमजोर हो रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच चिलोरा गांव में 6 साल के मासूम की मलेरिया से मौत होने के बाद प्रशासन की नींद खुली और अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में नजर आ रही हैं। लास्ट तो गांव में चिपके के साथ मलेरिया निकला था, 3 दिन से बुखार आ रहा था, तो मलेरिया का डोज खत्म हो गया तो फिर अच्छा हो गया था। अभी 3 जो बीमार है थे हॉस्पिटल में। तो कहाँ पर इलाज किए थे? घर में इलाज करवाया? हाँ, घर में सुबह। कौन सी दवा दिए थे? मलेरिया की दवा नहीं दी थी? अब पता नहीं, दिए थे तो अब हम खिलाए। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार नहीं मानते। उनका कहना है कि लोग प्राइवेट क्लिनिक और झाड़ फूंक का सहारा ले लेते हैं और इसी वजह से ये स्थिति बन जाती है। पता नहीं क्या कारण था, उन्होंने एक अन्य जो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उसे इलाज कराना उचित समझा और उन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ मलेरिया की, एंटी मलेरियल दवाइयाँ दी और इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा उसको लगाए हैं। उसके बाद में फिर उस बच्चे को किसी झाड़ने वाले के पास ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गई। मान लिया ग्रामीण प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं, झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं, तो फिर स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है? जागरूक क्यों नहीं किया गया? जांच क्यों नहीं की गई? दवाई क्यों नहीं दी गई? अगर ऐसा होता तो ये गांव मलेरिया की भयंकर चपेट में नहीं आते, क्योंकि इस वक्त हर घर में मरीज है। ये मलेरिया मार ही डालेगा। चौरिया और चिलोरा गाँव में भयंकर प्रकोप, गांवों में 30 से ज्यादा लोग बीमार हैं। जांच में 18 मरीजों में मलेरिया पॉजिटिव आया है। चिलोरा में 6 और चौरिया में 12 मलेरिया के मरीज हैं। रोजाना मिल रहे हैं मलेरिया के मरीज। आशा कार्यकर्ता भी मलेरिया संक्रमित पाई गई। सर, घर घर जाकर हम लार्वा सर्वे भी कर रहे हैं, रैपिड फीवर सर्वे भी कर रहे हैं और RDT किट से मलेरिया जाँच भी कर रहे हैं। क्या हिदायत दी जा रही है उन्हें? सर, उनको गर्म पानी उबाल कर पीने के लिए, मच्छरदानी का उपयोग करने के लिए और घर के आसपास जो गड्ढे हैं उसमें जला हुआ तेल या फिर मिट्टी का तेल उसमें डाल सकते हैं। अब घर घर जाकर जांच की जा रही है, दवाएं दी जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग का अमला स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रहा है। जी, मलेरिया की लगभग शिकायत तो 15 जून के बाद से समझ में आ रहा था यहाँ पर टेस्ट अभी जो हमारे सरपंच साहब ने जो शिकायत किए हैं उसके बाद टेस्ट की प्रक्रिया चालू है। सर, कितने पॉजिटिव आए? अभी तक मेरी जानकारी में आई है सर कि यहाँ चौरिया का रिपोर्ट में बता रहा हूँ कल के डेट में 11 पॉजिटिव। तो हर समय इन महीनों में बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त की शिकायत मिलती है और हमारी टीम सतत निगरानी कर रही है और निश्चित रही है आपके हम ऐसी कोई स्थिति नहीं निर्मित होने देंगे जिससे आपको चिंतित होना पड़े। ग्रामीण दहशत में है क्योंकि अब मलेरिया अपने पैर पसार चुका है। एक मासूम की मौत के बाद ये चिंता और बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल भी खुल गई है। लोगों का कहना है कि ना तो कभी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची और ना ही मच्छरदानी और दवाओं का वितरण कभी हुआ। अब हालात बिगड़े तो टीमें गाँव आ रही है। हमारे घर में अभी एक व्यक्ति को आज निकला है, चेक किया था सुबह, यानी कि कल 3 दिन पहले एक व्यक्ति को अगर चेक किया था तो मलेरिया निकल गया था। खंडवा ले करके वहाँ पे इंजेक्शन लगवाया था 2 और घर में ला करके लगाया 2, आज खत्म हुए। अभी तो मच्छरदानी मिला नहीं है सर, 3-1 साल हो गया है मच्छरदानी मिला नहीं है। अब कोई लाते हैं बाजार से खरीद के, नहीं तो कोई लाते ही नहीं।
हालात बिगड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का अमला तो जिम्मेदार है ही, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता रखकर मलेरिया के भयंकर प्रकोप से बचा जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं मलेरिया से बचाव कैसे करें। घर के आसपास साफ सफाई रखें, आसपास जलभराव ना होने दें, मच्छरदानी लगाकर ही सोएं, पूरी बांह के कपड़े पहने, मच्छरों का लार्वा ना पनपने दें, बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं, झाड़फूंक का सहारा बिल्कुल ना लें और बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनका विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट है, लेकिन थोड़ी देर हो गई। अगर समय रहते ये सावधानियां बरती जाती तो ना एक मासूम की जान जाती और ना ही हर घर में मरीज तड़प रहे होते। खैर देर से ही सही, लेकिन अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए चितरंजन नेरकर की रिपोर्ट। इन गांवों में अब स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ है, लोगों की जांच की जा रही है, दवाई बांटी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान आखिर हैं कहां? अगर अभियान जमीन पर चलाए जाते तो हालत इन गांव जैसे बुरे नहीं होते।